真的。最后一个，这个怎么用？Namaste, mitra, mein aapki chini dost Meera, aur aapka swagat hai mera Facebook Live. Aur aaj main pahunchti hu Inner Mongolia mein, yahan to China ke sabse prasidh hamare Mang Nadi, Yellow Nadi, yani Pila Nadi. Aur yahan ye Pila Nadi ke Grand Canyon chetra hai. Yahan bahut sundar दृश्य आप देख सकते हैं और इसके साथ ही यहाँ भी बहुत ज्यादा मनोरंजन कार्यक्रम है और आज मैं फेसबुक लाइव के जरिए अनुभव करूंगी और आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का सुंदर दृश्य आपको दिखाऊंगी। वाह, यहाँ एक ग्लास ब्रिज भी है, क्या आपने कभी देखा? मैं अनुभव करना चाहती हूँ ग्लास ब्रिज। Where are you? मैं अभी चिंगे इनो मंगोलिया में हूँ और यहाँ इस जगह अर्दोस्त शहर में, और जैसा शायद आपको मालूम है तो भारत में आप गंगा आपके मां नदी है और चाइना में पीला नदी हमारा मां नदी है, और यहाँ हमारा मां नदी पीला नदी का एक ग्रैंड कैनियन क्षेत्र है। हाय, नमस्ते नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका आपकी चीनी दोस्त मीरा। देखिए ओके, मैं आपको सबसे पहले यहाँ एक मैप है तो मैं अभी अनुभव करूंगी। यहाँ एक पता नहीं क्या है, मैं देखना चाहती हूँ। और यहाँ और एक ब्रिज, ग्लास ब्रिज है और मैं भी अनुभव करना चाहती हूँ। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ तारक मुखिया जी, आप कैसे हैं? हेलो चाइना दोस्त पंडित पवन जी, आप काफी स्वागत है। हेलो नमस्ते। और हम उस दिशा से देख सकते हैं, वहां शौचालय है। पता नहीं यहाँ का क्या दृश्य है, वहां एक सुंदर ग्रैंड कैनियन का दृश्य है लेकिन यहाँ शायद देख नहीं सकते हैं। वाह, यहाँ यहाँ सुंदर है ना। हाय, आप कैसे हो बहन पंकज शुक्रा जी? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मीत पात्र जी नमस्ते नमस्ते। अभी इस फेसबुक लाइव के चलिए मैं आपको आपको घुमाऊंगी। येलो रिवर चाइना में सबसे प्रसिद्ध हमारा माम नदी है और इस जगह पे बहुत ज्यादा मनोरंजन कार्यक्रम है, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? आप ठीक हो? ये फूल बहुत सुंदर है। कैसे हो बाबू जी? मैं ठीक हूँ। वहाँ ये पीला नदी का ग्रैंड कैनियन है। 是我们最佳站的这个正门正需要拍一下照吗还是直接往里面走啊？啊，感谢。是，感恩，舒克拉，曼迪库，啊，感谢。啊，天气不那么热，所以，我穿的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 ，我
मैं यहां आपको दिखाऊंगी। और यहाँ इसके ऊपर में एक स्थानीय एक गांव है, क्या आप देखना चाहते हैं? हम नजदीक से देख सकते हैं, यह तो स्थानीय एक गांव है। आप देख सकते हैं यहाँ का गांव किस प्रकार की है। यह शायद प्राचीन समय में लोग इस प्रकार के रहते हैं। देखिए क्या हाल है,
ठीक देखिए, तो कुछ दशकों पहले स्थानीय इन मंगोलिया लोग इस प्रकार के मकान में रहते हैं।我们现在所看到的这个是一个木质的老式的榨油机，它在压榨过程中起到了一个杠杆原理的作用。因为这个机器有两分钟，所以我们也正好有一个前提条件。सुंदर है। मैं भी पहली बार यहाँ आए। ये एक उपहार क्षेत्र, उपहार दुकान है। देख सकते हैं यहाँ क्या क्या मिल सकते हैं। ये चाइनीज, यह लकड़ी से बने कुछ खिलौना, खिलौने। एक दुकान है। और यहाँ क्या है? देखिए, इस प्रकार के मकान तो इस गांव में कुछ दशकों से पहले लोग इस प्रकार के मकान में रहते थे, और अभी यहाँ सिर्फ पर्यटन के लिए। आप देख सकते हैं, जो एक म्यूजियम की जैसा लगता है। मैडम, आप तिब्बत आता है क्या? नहीं, ये तो इन मंगोलिया में है। तुम्हारा क्या हाल है? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सुंदर सत्यपाल यादव जी, सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा लगता है कि यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, इतना धूप भी नहीं। ये फूल मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं ये फूल का नाम क्या है, क्या आपको मालूम है? हेलो मिया जी, बहुत दिन बाद दिखे। लेकिन आजकल मैं इन मंगोलिया में रोज रोज फेसबुक लाइव करती हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो शायद इस हफ्ते में मैं रोज रोज दोपहर को, क्योंकि अभी चाइना के दोपहर में है, और तो मैं रोज रोज दोपहर को फेसबुक लाइव करती हूँ, तो हम सीधा बातचीत कर सकते हैं, सीधी बातचीत कर सकती हैं। वेलकम मीरा, आपका भी वेलकम, आपका भी स्वागत है। और अभी मैं स्थित हूँ इन मंगोलिया के अर्दोस शहर। अभी शायद चाइना में पर्यटन करने के लिए ये पर्यटन वीजा आसानी से मिलते हैं मेरे भारतीय दोस्त। तो अगर आप मौका मिलते हैं तो हमेशा आपका स्वागत है, तो यहाँ घूम सकते हैं। और मैं चीन की राजधानी बेजिंग में रहती हूँ, और अगर आपके पास समय है, अगर आप तो बेजिंग आने का मौका मिलते हैं, जरूर बेजिंग में हम मिल सकते हैं। कड़वी भाषा से करतुं मेरा राजेश जी, आपका भी स्वागत है हमारे नॉर्थ ईस्ट से। तो आपका स्वागत है दीदी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। धन्यवाद तापस जी। अबोथानी क्लैंग आपके बारे आप फिर करना। अबोथानी क्लैंग क्या मतलब? इंडिया कब आओगी? अभी मेरी योजना है कि अगले साल के शायद मार्च या फरवरी, मार्च फरवरी में भारत जाऊंगी, अभी मेरी योजना है। लेकिन पता नहीं वीजा मिल सकती हूँ क्या? तो क्योंकि अगले साल चीन और भारत के बीच राष्ट्रीय संबंध स्थापने की 75 वर्षगांठ है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि इससे पहले मैं भारत जा सकती हूँ और फिर श्रृंखला वीडियो बना सकती हूँ, और शायद मेरे कुछ फैंस के साथ हम एक साथ कुछ वीडियो बना सकते हैं। गंजस खान स्टेटस तो पोस्ट कराओ। गंजस खान स्टेटस को पोस्ट करो, क्या मतलब? आप बहुत सुंदर हो मीरा जी। राम लामा योंदान जी, धन्यवाद। रणवीर सिंह जी, आप मैडम बहुत सोने हो। हेलो कुरशान, कुरशान कुमार वर्मा जी, आपका स्वागत है और नमस्कार। दीदी एक बार कोलकाता आई है? हाँ, मेरी योजना है अगली बार में कोलकाता जाने की योजना है, क्योंकि अगले साल में वहां शांति निकेतन है ना, तो मैं सोचती हूँ कि शांति निकेतन में वहां के चीनी भाषा सीखने वाले स्टूडेंट के साथ एक वीडियो बनाना चाहती हूँ अगले साल, तो कोलकाता जाऊंगी।
और मुझे मालूम है कि कोलकाता में एक चाइना टाउन भी है ना, तो अगर मौका मिलते हैं तो मैं अगले साल जरूर कोलकाता जाऊंगी। आप कोलकाता में से हैं तो हम कोलकाता में भी मिल सकते हैं। फ्रॉम फिलीपींस, वाह, स्वागत है हमारे फिलीपींस से दोस्त, हिमाचल सुंदर नगर मंडी से। हाँ, हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है। हेलो, वेरी गुड अर्णव जी, धन्यवाद धन्यवाद। अगर आपको पसंद है जरूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। यहाँ का तह के खान में क्या मतलब? तह के खान में आपोथानी क्लैंग का पार, आपोथानी क्लैंग क्या मतलब? कोई भी मुझे समझा कर सकते हैं? मीना जी आप बहुत खूबसूरत है, लव फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। धन्यवाद धन्यवाद। हिमाचल मंडी, इंटरनेट दूर हो गए हैं क्योंकि चाइना में ये वीपीएन चलाने मुश्किल है। शायद आपको मालूम है तो चाइना में ये आप शायद सीधा फेसबुक और इंस्टाग्राम यूट्यूब नहीं चला सकते हैं, इसलिए हमें वीपीएन से जोड़ना चाहिए। और यहाँ के वीपीएन इतना स्टेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमेशा तुत होते हैं। माफ कीजिए। ओके, अभी हम यहाँ थोड़ी बातचीत कर सकती हैं। आपका क्या सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं। हेलो विनोद गुप्ता जी, नमस्ते नमस्ते। कृष्णा चल राजपूत जी, नमस्कार। और सत्या मांझी जी, हाय नमस्ते। और हमारे नए दोस्त कैलाश सिंह जी, आपका भी स्वागत है। कैसे हैं मित्रों? फिर से मैं आपको कुछ परिचय दूंगी। मैं आपकी चीनी दोस्त मीरा, और इस हफ्ते में मैं चीन, उत्तरी चीन के इनो मंगोलिया प्रांत में यात्रा कर रही हूँ। और कुछ सबसे पहले तीन तीन दिनों से पहले मैं दूसरे शहर में थी। उस शहर का नाम है उलन छापू, और उलन छाप उलन उलन खप उलन खप शहर में तो बहुत सुंदर खास मैदान है, शायद आपने देखा है पिछले पिछले फेसबुक लाइव। और वहां ना केवल सुंदर खास मैदान बल्कि सुंदर ज्वालामुखी दृश्य भी है। इससे पहले यहाँ आने से पहले मैं सोची थी कि इन मंगोलिया सिर्फ तो राजस्थान की जैसा सिर्फ रेगिस्तान है, लेकिन ऐसा नहीं है। और शायद कुछ दशकों से पहले इन मंगोलिया जैसा भारत के राजस्थान तो बहुत बड़े पैमाने में रेगिस्तान क्षेत्र थे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा खास मैदान भी मिल सकते हैं। और स्थानीय लोग तो सभी लोग ये घोड़ा घोड़ी चला सकते हैं, मैं चला नहीं सकती लेकिन स्थानीय लोग चला सकते हैं। और अभी यहाँ रेगिस्तान में बहुत ज्यादा सोलर पैड बनाया गया है, और ये सोलर पैड के जलीय स्थान तो पूरे चीन के लिए बिजली पैदा करते हैं। और ये सोलर पैड यहाँ स्थापने के बाद जो यहाँ के रेगिस्तान नियंत्रण भी कर सकते हैं, और सोलर पैड के नीचे बहुत ज्यादा विभिन्न प्रकार के प्लांट उगाते हैं। यह तो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। इसलिए मैं ऐसी सोच रही हूँ कि शायद राजस्थान में भी इस प्रकार के कुछ तरीका कर सकते हैं, क्योंकि वर्ष 2016 में मैं भारत में थी और उस समय मैं राजस्थान भी गई और वहाँ एक महीने तक ठहरती थी। और वहाँ भी पूरे पूरी बहुत ज्यादा रेगिस्तान क्षेत्र है ना, और ऊंट भी मिलते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर रेगिस्तान में कुछ प्लांट उगा सकते हैं तो शायद हमारे देश या पर्यावरण, पृथ्वी के पर्यावरण संरक्षण के लिए लाभदायक है। दीदी भाई आपको धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। तपास्तासी, जय श्री राम। नवर्तन जी, जय श्री राम। राम राम, राम राम। मैं आपकी चीनी दोस्त मीरा। वैदिक सनातन धर्म वापस आओ क्या मतलब? हेलो आई चेंज दोस्त, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है? आप माजी जी, मैं एक चीनी लड़की हूँ लेकिन मैं हिंदी बोलती हूँ, और मेरा नाम मीरा, ये तो मेरा हिंदी नाम है। मैं
En Argentina, mira, or man, China, seguro. En Hindi, pone vali, jini, lurki. जय हिंद मैम, कैसे हैं? आई एम फ्रॉम मणिपुर. वाह, आप मणिपुर से हैं. जब मैं भारत में थी, मैं हमेशा आसपास के भारतीय लोगों को बताती थी कि मैं मणिपुर से हूँ, क्योंकि मणिपुर के लोग हमारे जीनी लोग चेहरे सेम है ना. तो मैं हमेशा ऐसे बोलती थी कि मैं मणिपुर से हूँ. मैं भी आपका फ्रेंड होना चाहिए मैम. जरूर, हम सभी तो दोस्त है. हम थोड़ा आगे चलते हैं. थोड़ा आगे चलते हैं. ये तो एक गांव है, एक गांव था, लेकिन अभी सिर्फ तो पर्यटन के लिए. यहाँ तस्वीर लेने के लिए बहुत सुंदर है ना. ये क्या है? फ्लास का कलिया है ना. समीर खान, आपका स्वागत है. मैं आ कैसे हूँ? व्हाट्सएप नंबर माफ कीजिए, मेरे पास रोज रोज. ओ, आप देखिए, यहाँ यू कैन मेक विश हियर. यहाँ चाइना में बहुत ज्यादा जगह में इस प्रकार के लाल रंग के फैट मिल सकते हैं, और आप अपने अपनी सपना यहाँ लिख सकते हैं, जैसे और यहाँ लगाते हैं तो देखिए, तो अपना कुछ सपना यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ लगा कर शायद आपकी सपना पूरी हो जाएगी. ये सभी लोगों की सपना है. ठीक है. वहां प्रदर्शन है, मैं आपको दिखाऊंगी. ऊपर में प्रदर्शन हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी. हम देख सकते हैं. चलो, ये तो इन मंगोलिया जाति के विशेष प्रदर्शन है, मैं आपको दिखाऊंगी. वाह, ये गांव बहुत सुंदर है ना. प्रदर्शन हो रहा है, और विशेष खाना भी है. ये क्या है? ये स्थानीय एक विशेष खाना है. ये是用什么做的呀？荞麦。देखिए, एक विभिन्न प्रकार के चावल से बने हुए हैं. ये स्थानीय विशेष खाना है. और ये क्या प्रदर्शन है, हम देखते हैं. क्या प्रदर्शन है? ये चीनी विशेष म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. क्या आप देखना चाहते हैं? तो शायद हम थोड़ा और क्या आपको मालूम है ये क्या है? ये तो प्राचीन समय में जब तो शादी विवाहों होते हैं तो ब्राइड क्या है, दूल्हा दुल्हन इसके अंदर में पैसे थे. बढ़िया गांव है दीदी. हाँ, एक बहुत बढ़िया गांव. मैं वो स्थानीय विशेष खाना का अनुभव करना चाहती हूँ. क्या आप ट्राई करना चाहते हैं? क्या आप ट्राई करना चाहते हैं? देखिए, विशेष खाना. ये स्थानीय विशेष खाना है, मैं ट्राई करना चाहती हूँ क्या स्वाद है. देखिए, मैं भी देने पास आई है.
जरूर आपका स्वागत है, आइएगा। ओके, यहाँ रख हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ थोड़ा ठहरूंगी। क्योंकि आज हवा थोड़ा तेज है, इसलिए मैं ये क्या है नहीं पहनती हूँ। मीरा भारतीय नाम है। हाँ, मीरा भारतीय नाम है, ये तो मेरा हिंदी नाम है। दीदी मेरा गाना सुनिएगा, मैं बंगाली सॉन्ग गाता हूँ। एक बार मेरा प्रोफाइल पर जगह सुनिएगा। धन्यवाद। जरूर जरूर। तो आप जरूर, क्या आप कैसे संपर्क कर सकते हैं? मैं आपको रिप्लाई करूंगी। मेरा गाना सुनिएगा, मैं बंगाली सॉन्ग गाता हूँ। ईमेल? ओके। ओके, मैं आपके कमेंट रिप्लाई किया है, तो बाद में हम संपर्क कर सकते हैं। और मैं अगले साल कोलकाता जाने की योजना है, अगर आप तो कोलकाता में हम भी मिल सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरे से गुड आफ्टरनून। हाँ, नमस्ते अनिल कुंडू जी। हेलो राजीव, राजीव जी असम से। असम से आप, ये क्या भाषा है? मैं आपका नाम मैं पढ़ नहीं सकती, ये भाषा मुश्किल है मेरे लिए। इस दिशा से शायद साफ है। मैं यहाँ रखूंगी, यहाँ रखूंगी, यहाँ साफ है ना? हाय मीरा, आपके पास और क्या सवाल है? कमेंट में जरूर मुझे बताइए, मैं जरूर आपकी जवाब दूंगी। ये स्थानीय लोग हैं। हाय स्थानीय लोग हैं, शायद होंगे विमान, शायद होंगे विजान में। मैं एक फॉरिनर हूँ। तो ईस्ट असम में भी आई है मीरा जी? हाँ, नॉर्थ ईस्ट असम, वहां तो जाने की योजना है। अभी पता नहीं कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि अभी पर्यटन वीजा नहीं मिलते हैं। मैं अभी सिर्फ जर्नलिस्ट वीजा अप्लाई कर सकती हूँ। मुझे भी आशा है कि हमारे दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे होंगे, सुधार होंगे, और फिर पूरे परिवार लेकर भारत जा सकते हैं। क्योंकि मेरा एक बेटा भी है, उनका नाम मैंने भी उनके लिए एक हिंदी नाम रखा, अंशु। और मुझे आशा है कि उन्हें लेकर हम एक साथ भारत जा सकते हैं। क्योंकि भारत जैसा मेरा दूसरा ग्रह नगर है, इसलिए तो मैं भारत जाने की योजना है हमेशा। धन्यवाद धन्यवाद मित्रों, अगर आपको पसंद है कृपया लाइक कीजिए इस लाइव को और शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल है जरूर कमेंट में मुझे बताइए, जिनके बारे में या मेरे बारे में। जय माता जी, जय माता जी। राकेश राकेश कुमार जी आपका स्वागत है। दीदी भाई आप बहुत सुंदर है। धन्यवाद धन्यवाद। दास जी, मैंने आपके कमेंट रिप्लाई किया है, और अगर आप ये बंगाली गाना गाते हैं और हम एक साथ एक वीडियो सहयोग कर सकते हैं, और मेरे वीडियो में आप बंगाली पंगोड़ी गाना गा सकते हैं। आप बिहार, बिहार से आर्यन आदित्य है ना? आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, आओ भारत।
हार्ड धन्यवाद विशाल चीप जी, वेलकम गुरदीप जी, धन्यवाद धन्यवाद। रेनिंग सीजन स्टार्टेड इंडिया, हाँ, और बीजिंग में भी रेनिंग सीजन स्टार्टेड हो आने वाला, शुरू होने वाला है। आमतौर पर चाइना में उत्तरी चीन में लगभग जुलाई में ये रेनिंग सीजन, और दक्षिण चीन में लगभग वसंत वसंत में रेनिंग सीजन। आप झारखंड आइए, बहुत अच्छा घूमने का जगह है। हाँ, झारखंड में क्या लैंडमार्क है, क्या जगह है, क्या आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं? तो अगली बार अगर मैं भारत वहां जाने का का मौका मिलते हैं तो मैं वहां जा सकती हूँ। जय श्री राम मीरा जी, धन्यवाद। अनूप जी लव यू, धन्यवाद। हाय माँ कश्मीर से, वाह कश्मीर से तो सबका स्वागत है। तो चाइना में बहुत ज्यादा कश्मीर से व्यापार है, वे तो ये पश्मीना बेचते हैं। और चाइना में हर विभिन्न प्रकार के जैसे इम्पोर्ट एक्सपो में हर साल ये कश्मीर कश्मीर से व्यापार यहाँ ये पश्मीना बेचते हैं। बाड़मेर राजस्थान, हमारे से तो सबका स्वागत है, वेलकम टू, धन्यवाद। संजय जी थैंक्स, धन्यवाद। हेलो, कोई चाइनीज चाइनीज लड़की ने मेरे साथ शादी कर ली है तो मैं तैयार हूँ। तो सबसे पहले आप तो चाइना आना चाहिए है ना? मेरे पास तो बहुत ज्यादा चाइनीज इंडियन कपल है, मेरे पास बहुत ज्यादा चाइना में रहने वाले भारतीय पुरुष, उनकी पत्नी तो चीनी लड़की है। मैं उड़ीसा से हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। उड़ीसा उड़ीसा में गई थी, वहां एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध डांस है, उड़ीसा डांस है ना, शानदार है। वेलकम टू गुजरात। हाँ, मोदी काका का होम टाउन। वेलकम टू गुजरात, धन्यवाद धन्यवाद। अगर अगर मौका मिलते हैं तो मैं पूरी तरह से भाड़ में घूमूंगी। ठीक है मित्रों, अभी आधा घंटा हो गया है शायद। अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो शायद आज का लाइव यहीं तक, मैं दूसरी जगह जाऊंगी। अगर आपका कोई सवाल है जरूर कमेंट में मुझे बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ आर यू हनुमान, हनुमान चौकती, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हेलो फ्रॉम गुजरात, आपका स्वागत है, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है मित्रों, तो हम अगले फेसबुक लाइव में यानी कल, हम कल में कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं। और कृपया लाइक कीजिए। वेलकम उड़ीसा, पुरी पुरी जगन्नाथ मंदिर, मैं गई थी वहां। वेलकम टू असम, असम जाए है ना पीने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। रांची शहर में स्वागत, पथारे आपका स्वागत है, धन्यवाद धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। कुरवां कुरवां सिंह जी, धन्यवाद। मैं मुंबई से हूँ, आप कैसे हो? मैं चाइना से हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? वेयर आर यू फ्रॉम चाइना? हाँ आशीष नायक जी, मैं चाइना से हूँ। बड़ी सीढ़ी के वीडियो बनाओ, हाँ जरूर जरूर, थोड़ा कम है, जाना पड़ रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो कोई चाइनीज, फिर एक बार। ठीक है तो हम अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं। कृपया मुझे फॉलो कीजिए, और मैं कहानी आपको दिखाऊंगी।